लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। लालू यादव पहुंचे पटना, तेजस्वी यादव अभी नहीं बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तैयारी तेज, जाने क्या बोले तेजस्वी। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर जेडीयू बीजेपी में बढ़ी तकरार। पप्पू यादव ने इशारों में तेजस्वी पर बोला जबरदस्त हमला। तेजप्रताप यादव ने नीतीश कुमार के मंत्री को कह दिया राक्षस। आईपीएस अमित लोढ़ा और आदित्य कुमार के खिलाफ निगरानी ने तेज की जाँच। बिहार में निलंबित डीएसपी के 3 ठिकानों पर निगरानी का छापा। मंत्री बोले बिहार में 1 मार्च से होगी डिजिटलाइज्ड जमाबंदी। औरंगाबाद में कबाड़ी दुकान में विस्फोट, 2 मजदूर की मौत, 1 घायल। और हाई स्कूल और प्लस 2 के शिक्षक नियुक्ति के लिए काउंसलिंग शुरू। अब खबरें विस्तार से। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आज पटना पहुंचे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। वो 10 फरवरी को होने वाली राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने आए हैं। बिहार रवाना होने से पहले उन्होंने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी से भी हाथ मिला लेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर लालू ने कहा कि अभी हम रहेंगे अध्यक्ष। जो इस तरह की बातें कर रहा है या फिर लिख रहा है वो मूर्ख है, अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वहीं लालू यादव ने फिर से चुनाव में उतरने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कुछ कानूनी पछड़े हैं, उसे खत्म होते ही चुनाव में उतरेंगे। उधर बिहार में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। राजद कार्यालय को सजाया सवारा जा रहा है, तरह तरह की आकर्षक लाइटें लगाई जा रही हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। बिहार में 15 वर्षों के शासनकाल में भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार का सत्यानाश कर दिया है। एनडीए सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कभी 2 करोड़ तो कभी 19 लाख नौकरी के वादे कर युवाओं को गुमराह कर रही है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एनडीए के अंदर चल रही खींचतान तेज होती जा रही है। बीजेपी और जेडीयू में बयानबाजियों का दौर चल पड़ा है। हर कोई एक दूसरे को आईना दिखाने में लगा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। जेडीयू के नेता पूरे गुस्से में है। पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा ने बीजेपी नेताओं से कहा कि टीआरपी के चक्कर में कुछ भी मत बोल दीजिए, बिहार की जनता को सब पता है किसने विश्वासघात किया है। वहीं मांझी की पार्टी ने भी दोनों दलों को अनर्गल बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दी है। उधर पप्पू यादव ने कांग्रेस के बहाने राजद पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने इशारों में ही तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अहंकार और राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण कांग्रेस को अपमानित किया जा रहा है। राजद बिहार में बीजेपी की बी टीम बन गई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ छिटभैया नेता कांग्रेस को खराब कर रहे हैं, वो परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, अपने बेटों और परिवार को चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस की आइडेंटिटी को खराब कर रहे हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने नीतीश कुमार के मंत्री जीवेश मिश्रा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जीवेश मिश्रा बिहार के सुबाहू हैं, वे सब बिहार को बर्बाद कर देंगे। वहीं उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर कहा कि हमारा हक है। जब हमारी माता राबड़ी देवी बिहार की सीएम थी तभी उन्होंने मांग की थी। अब तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार को हक नहीं मिल रहा है। इनको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। बिहार में मगध के आईजी अमित लोढ़ा, गया के एसएसपी आदित्य कुमार को एक साथ हटाए जाने के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विजिलेंस इनके खिलाफ जांच शुरू कर चुकी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाले नीतीश कुमार के आदेश के बाद एसवीयू की जांच तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इन आला अधिकारियों पर पूर्ण शराबबंदी लागू करने में सुस्त रवैये के अलावे कई और अनियमितता के भी आरोप है, जिसकी जांच निगरानी को करने का आदेश गृह विभाग ने दे दिया है। इसके लिए 2 टीमें भी बनाई गई हैं। बालू के अवैध उत्खनन और माफियाओं से सांठगांठ पर अकूत संपत्ति बनाने वाले बिहार पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज एक डीएसपी स्तर के अधिकारी के 3 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। यह टीम
जिस अधिकारी के यहाँ छापेमारी कर रही है उसका नाम संजय कुमार है। संजय कुमार के रोहतास, पटना और बक्सर के पैतृक आवास पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि संजय कुमार फिलहाल निलंबित चल रहे हैं। संजय कुमार पर आरोप है कि रोहतास में बालू माफियाओं से साठगांठ कर इन्होंने न केवल अकूत संपत्ति अर्जित की है बल्कि सरकार को राजस्व की भी भारी क्षति पहुँची। बिहार में रैयतों को 1 मार्च से डिजिटलाइज्ड जमाबंदी मिलने लगेगी, उस पर अधिकारियों की दस्तखत भी डिजिटल फॉर्मेट में ही होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सभी 534 अंचलों में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। राज्य में 3,77,00,000 जमाबंदी है, सब डिजिटलाइज्ड और ऑनलाइन हो गया है। उन्होंने कहा कि परिमार्जन पोर्टल के जरिए जमाबंदी की अशुद्धियों को दुरुस्त कर लिया गया है। रामसूरत राय ने कहा कि सरकार पिछले साल से ही यह सुविधा बहाल करने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई। औरंगाबाद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कबाड़ी दुकान में जबरदस्त विस्फोट हो गया। इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना औरंगाबाद शहर के अली नगर में हुई है। बताया जाता है कि GM प्लास्टिक नामक कबाड़ी की दुकान में मजदूर काम कर रहे थे, इसी दौरान बम विस्फोट हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जुट गई। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा नियुक्ति के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है जो 11 फरवरी तक चलेंगी। छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 32,700 से अधिक पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। आपको बता दें कि आज काउंसलिंग नगर निगम क्षेत्र के लिए हुई है। नगर निगम परिक्षेत्र में साफ सुथरे तरीके से काउंसलिंग कराने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी नियोजन इकाइयों को जरूरी निर्देश दिए हैं। काउंसलिंग से जुड़ी हर गतिविधि की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है। सभी 300 नियोजन इकाइयों में होने वाली काउंसलिंग पर शिक्षा विभाग ऑनलाइन निगरानी रख रहा है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।